हेलो गाइस, फिर एक बार मैं एक न्यूली लॉन्चर प्रोडक्ट के साथ आई हूँ। वो प्रोडक्ट है डॉट एंड की का स्किन केयर सीका क्लेमिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल। बेसिकली ये एक नाइट जेल है और ये बहुत ही अच्छा नाइट जेल है क्योंकि मैंने इससे 21 डेज यूज़ किया है। तो चलिए इसके बारे में बात करूँगी डिटेलिंग में। तो एज यूजुअल मैं हूँ आपके प्रीति सो और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ऑल पर्पज़ में। तो गाइस, इस प्रोडक्ट को मैंने परचेज़ किया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, डॉट एन की का ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से मैंने परचेज़ किया है इसे। तो इसके जो प्राइस की बात करते हैं और पैकेजिंग की बात करते हैं, इसकी प्राइस है यहाँ 595, यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंटिंग प्राइस। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा कैमरा में। एंड देन इसकी जो लाइफ सेल्स है वो 3.5 ईयर की लाइफ सेल्स के साथ है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप में है। और बात करते हैं कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैंने वहीं से परचेस किया है और मुझे 15% ऑफ के साथ मिला था क्योंकि मेरा ये फर्स्ट परचेस था डॉट एंड की का। तो इसके अमेजिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लेकिन कुछ ही देर में। तो पहले इसके पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टाइप की ग्रीन एंड वाइट के पैकेजिंग के साथ है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा पैकेजिंग है सी। एंड बहुत ही ज़्यादा इसने जब मैं परचेज की थी तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ ये मिला था सी। उसके बाद इसका सबसे बेस्ट पार्ट है ना, इसका मुझे इसका कैप बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा सा लगा। डॉट एन की का सारा पैकेजिंग इस टाइप में ही आता है। तो बेसिकली ये नाइट जेल है और सी, और ये ग्लास के पैकेजिंग में आता है क्योंकि जितने भी क्रीम्स होते हैं अच्छे क्रीम्स वो ग्लास के ही कंटेनिंग में आते हैं। तो इसका कैप इस टाइप में है। इसके अंदर का मैं दिखा देती हूँ आपको ओपन करके सी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेफ्टी के साथ आता है ये सी। एंड ग्रीन, इसका टेक्सचर ग्रीन है तो इसके टेक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका यूज़ क्यों है, इसे डॉट एंड की ने क्यों लॉन्च किया है, किस बेसिस के लिए लॉन्च किया है। ये एक नाइट जेल है और जिनके एक्ने प्रोन स्किन है ना, उनके बहुत ही ज़्यादा, जिनके एक्ने हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, तो इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट है सीका, सीका का लीव आता है, इसका यूज़ किया गया है इस प्रोडक्ट में। एंड देन हिलोरोनिक एसिड है, नियासिनेमाइड्स हैं एंड ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है इसमें। तो सीका का जो होता है ना वो हमारे एक्ने को कम करने में हेल्प करता है। तो इसके ये काम क्या करेगा हमारे स्किन पे, ये बता देती हूँ। ये हमारे स्किन में काम करेगा, सबसे पहले जिसके एक्टिव एक्ने हैं, जिसके एक्टिव एक्ने बहुत ज़्यादा हैं उसे ये इसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि जितने भी एक्टिव एक्ने हैं ना वो 21 डेज़ में ये क्लेम करता है कि 21 डेज़ में ये कम उसे कम करेगा, हेल्प करेगा। और सेकेंड, जिनके स्कार्स हैं, जिनके स्कार्स हो जाते हैं मतलब इनविजिबल स्कार्स है, दिखते हैं, उसे भी ये इनविजिबल करने में हेल्प करता है ये डॉट एंड की का नाइट जेल। और उसके बाद जिसके अगर एक्ने हुए हैं, एक्ने के साथ बहुत लोगों के सूजन हो जाते हैं, मेरे भी होते थे, सूजन हो जाते हैं, तो उसे भी ये कम करने में हेल्प करता है, स्मूथ स्किन करता है। और ये फुल हाइड्रेशन, बैलेंस हाइड्रेशन के साथ, जितना हाइड्रेशन आपके स्किन को मिलना चाहिए उतना ये हाइड्रेशन आपको देगा। ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, नॉन कॉम्डोजेनिक है। कॉम्डोजेनिक का मतलब क्या होता है ये बता देती हूँ पहले। कॉम्डोजेनिक जिस भी प्रोडक्ट में होता है ना उससे एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये डॉट एंड की क्लेमिंग करता है इसमें नॉन कॉम्डोजेनिक है। और इसके बात करते हैं, इसमें नो एडेड फ्रेगनेंस है, बिल्कुल भी एड फ्रेगनेंस नहीं किया गया है। और ये बेसिकली बेस्ट पार्ट है इसका, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सेंसिटिव वाले जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है, मैंने इसे 21 डेज तक यूज़ किया और मुझे एक भी पिंपल्स नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसकी जो बात है कि ये इस एरिया में, चिक्स एरिया में एंड देन ये फोरहेड एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं चिन एरिया में, लेकिन आप माउथ एरिया जो होता है ना और ये अंडर आइज एरिया, इसमें इसे यूज़ नहीं करना है। मेरे मिस्टेक से इसे इस एरिया में यूज़ कर लिया था तो मुझे छोटे छोटे पिंपल्स आ गए थे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये ठीक हो गया। स्टार्टिंग में आए थे मुझे, अभी बिल्कुल भी नहीं है।
तो जिनके एक्ने प्रोन स्किन है, उसके बाद एक्ने स्कार्स है, अगर पिंपल से कोई भी आपको सेंसिटिविटी हो गई है वो भी ठीक करता है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो मैं प्रिफर करूँगी एक्ने स्कार वाले के। तो मैंने डर्मा रोलर के बारे में भी बताया था, उसके बाद भी आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये टेस्ट करके देखा है तो मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ डर्मा रोलर करने के बाद। तो डर्मा रोलर का वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन पे दे रखा है, वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कंसिस्टेंसी की, कि ये कैसा टेक्सचर के साथ है। डॉट एंड क्यू के इसका टेक्सचर जो है ना, वो क्रीम एंड जेल दोनों मिक्स बेस्ड में है और ग्रीन कलर के साथ है। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी आप ले लो, उसके बाद अपने आप चिक्स एरिया, फोरहेड एंड चिन एरिया में लगाओ, अप्लाई करो इसे। लेकिन आप अंडर आइज एंड माउथ एरिया में मत करना, क्योंकि वहाँ की स्किन थोड़ी पतली होती है जिसके कारण आपको पिंपल्स हो सकते हैं, तो मत ही यूज़ करना वहाँ पर। एंड देन पूरे अच्छे से आप मसाज कर लो, उसके बाद आप इसे नाइट में यूज़ करो, उसके बाद आप सो जाओ, आपको अच्छा वर्क देखने को मिलेगा। 21 डेज के अंदर स्मूथ स्किन भी आपको मिलेगी। होप गाइस यू लाइक माय रिव्यू एंड वीडियो। सो इन होते होते इस वीडियो का आई नो आप सब्सक्राइब कर दोगे मेरे चैनल को, एंड थम्स अप भी कर दे इस वीडियो को, और कमेंट में कमेंट भर भर के कमेंट कर देना जो भी आपको पूछना है इस वीडियो, इस प्रोडक्ट से लेके देन कुछ भी। तो चलिए मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय गाइज।